गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास फिफ्थ में चैप्टर फाइव पढ़ेंगे जिसका नाम है कारक। तो देखिए, कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, उसका वाक्य की क्रिया या अन्य शब्द से संबंध प्रकट होता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक के चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं, उनके नाम और चिन्ह इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर कारक के नाम दिए हैं और यहाँ पर कारक के चिन्ह दिए हैं। तो पहला कारक है कर्ता, जिसका चिन्ह होता है ने। दूसरा कारक है कर्म, जिसका चिन्ह है को। तीसरा कारक है करण, जिसका चिन्ह है से या फिर के द्वारा। चौथा कारक है संप्रदान, जिसका चिन्ह होता है के लिए। पांचवा कारक है अपादान, जिसका चिन्ह होता है से या फिर अलग होने के अर्थ में। छठा कारक है संबंध, जिसका चिन्ह होता है काकी के या रारी रे। सातवां कारक है अधिकरण, जिसका चिन्ह होता है मैं या पर। इसके बाद लास्ट वन यानी आठवां कारक है आपका संबोधन, जिसका चिन्ह होता है हे ओ अरे। फिर यहाँ पर अलग अलग सबकी डेफिनेशन दी हुई है। कर्ता कारक क्या होता है? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने है, जैसे मोहन ने खाना खाया। इस वाक्य में खाना क्रिया है और इस क्रिया को मोहन ने पूरा किया है, इसलिए यहाँ पर जो मोहन हुआ वो कौन हुआ? कर्ता कारक है। तो देखिए, नंबर टू है आपका कर्म कारक। तो कर्म कारक किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है। यह कभी कभी छिपा भी रहता है, जैसे राम पानी पीता है, यानी पानी को पीता है। यहाँ को नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पानी पीने की क्रिया को कौन कर रहा है? पानी पीने की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पानी पर पड़ रहा है, अतः पानी कर्म कारक है। तो देखिए, अगला है तीसरा करण कारक। करण कारक क्या होता है? जिस वस्तु की सहायता से या जिस वस्तु के द्वारा कोई काम किया जाता है उसे हम करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से या फिर के द्वारा है। मोहन कलम से लिख रहा है। कलम से लिख रहा है मतलब कलम के द्वारा लिख रहा है। इस वाक्य में लिखने की क्रिया जो करने का काम है वो किससे हो रहा है? कलम की सहायता से। अतः कलम जो हुआ वो क्या हुआ? करण कारक हुआ। अगला देखिए, संप्रदान कारक। तो देखिए, जिसके लिए किसी क्रिया को किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह के लिए है। वह अपने भाई के लिए अमरूद लाया। इस वाक्य में लाने की क्रिया की गई है, लाने की क्रिया भाई के लिए की गई है, तो यहाँ पर भाई क्या हुआ? संप्रदान कारक है। फिर है अगला अपादान कारक। तो देखिए, जिस वस्तु से किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से है, जैसे पेड़ से फल गिरा, यानी पेड़ से अलग हो गया। तो इस वाक्य में गिरने की क्रिया पेड़ से हुई है और गिरने पर फल पेड़ से अलग हो गया है, इसलिए पेड़ क्या हुआ? अपादान कारक है। तो देखिए, अगला है संबंध कारक। तो जब दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध दिखाने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होता है। इसके चिन्ह काकी के या रारी रे हैं, जैसे सुधीर मेरा भाई है। इस वाक्य में सुधीर का मुझसे संबंध दिखाया गया है, अतः मैं संबंध कारक है। मैं से बनाया यहाँ पर मेरा। तो देखिए, अगला है अधिकरण कारक। तो वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार ज्ञात होता है, अर्थात जिस स्थान पर कोई काम होता है उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। इसके चिन्ह मैं तथा पर हैं, जैसे वह कुर्सी पर बैठा है। इस वाक्य में बैठना की क्रिया का आधार कुर्सी है, अतः कुर्सी अधिकरण कारक है। अगला है संबोधन कारक। तो जिस शब्द के द्वारा किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे सोहन तुम कब आए? इस वाक्य में अरे सोहन जो है वो क्या है? संबोधन कारक है, क्योंकि इसके द्वारा पुकारा जा रहा है। तो यहाँ पर अब आगे देखिए, इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ प्रश्न पूछा है कारक की परिभाषा उदाहरण से लिखी है, तो मैंने यहाँ सॉल्व करके रखी है। तो देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य की क्रिया या अन्य शब्द से संबंध प्रकट होता है
उसे कारक कहते हैं। जैसे कर्ता, कर्म, करण में हमने पढ़ा था 8 कारक होते हैं, तो हमने यहाँ 3 ही एग्जाम्पल में दिए हैं। फिर देखिए यहाँ कारक चिन्ह दिए गए हैं, आपको कारक का नाम बताना है। जैसे से के द्वारा इसमें है करण कारक, को में है कर्म कारक, अरे में है संबोधन कारक, काकी के में है संबंध कारक और के लिए में है संप्रदान कारक। फिर आगे आ जाइए, निम्नलिखित वाक्यों में उचित कारक चिन्हों को फिल करना है। तो देखिए मोहन डैश पिताजी आए हैं, तो मोहन के पिताजी आए हैं। नौकर ने कपड़े से कुर्सी साफ़ की, यहाँ पर से आएगा कमरे में सामान फैला पड़ा है। उसके बाद अगला है मोहन, मुझे मोहन, फिर यहाँ पर दो भर सकते हैं आप, के लिए भी और से भी। जैसे मुझे मोहन से पुस्तक लानी है, ये भी राइट होगा, और मुझे मोहन के लिए पुस्तक लानी है तो वो भी राइट होगा। राम ने कलम से पत्र लिखा, फिर इसके बाद यहाँ आ जाएंगे हम, तो निम्नलिखित कारक चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। तो ने, ने से हमने वाक्य बनाया अमन ने आम खाया, पर से हमने वाक्य बनाया किताब मेज पर रखी है। फिर इसके बाद है के लिए, के लिए के लिए हमने वाक्य बनाया वह मेरे लिए फल लाया। फिर अगला है का, तो का के लिए हमने बनाया रोहन राधा का भाई है। फिर इसके बाद को में देखिए राजू ने सांप को मार दिया। उसके बाद यहाँ करण कारक की और अपादान कारक की डेफिनेशन देनी है, विद एग्जांपल मैंने यहाँ पर दी हुई है। फिर इसके बाद विभक्ति पूछा है, तो आपको मालूम ही है कारक के चिन्हों को ही विभक्ति कहते हैं, जैसे ने, के, से के द्वारा, ये सब। फिर इसके बाद है देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज वर्क है, ग्रीष मुझे अपनी पुस्तक दो, इस वाक्य में ग्रीष का कारक कौन सा होगा। तो ग्रीष क्योंकि करता है, सॉरी ग्रीष यहाँ पर पुकारा जा रहा है, मैं बताया था ना पुकारा जाता है, वहाँ पर होता है संबोधन कारक, तो यहाँ पर संबोधन कारक आएगा। अगला देखिए राजू ने लाठी से सांप को मार दिया, तो लाठी से यानी लाठी के द्वारा, तो यहाँ पर करण कारक हो गया। के लिए के अर्थ को बोध कराने वाला कारक होता है संप्रदान कारक। फिर ये जो लास्ट में यहाँ पर दिया है वाक्यों में सही कारक चिन्ह भरी है, तो यहाँ देखिए गरीबों के लिए फल बांटा गया, महिला मोटरसाइकिल से गिर गई, दीपिका स्कूटी से आई है, पिताजी ने सभी को उपहार दिए, मछलियाँ पानी में तैर रही हैं। तो जिस पर मैंने टिक लगाया है वो आपको कॉपी में करना है, जैसे नंबर 1 कॉपी में करेंगे, नंबर 2 कॉपी में करेंगे, फिर इसके बाद इस आगे आ जाएंगे तो नंबर 3 को भी कॉपी में करना है, 4 को मत करिए क्योंकि टिक नहीं लगाया मैंने, फिर 5 और 6 दोनों कॉपी में करने हैं, 7 को कॉपी में नहीं करना, 8 को भी नहीं करना, 9 को भी नहीं करना, और लास्ट 1 10 करना है। लेकिन याद रहे इसके जो ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पर वो नहीं उतारेंगे आप फिलअप्स की तरह, केवल ये वाली लाइन, जैसे गरीबों के लिए फल बांटा गया नंबर 2 लाइन, नंबर 2 डाल करके लिखेंगे महिला मोटरसाइकिल से गिर गई, तो आपको केवल ये करने हैं फिलअप्स की तरह। आई होप कि सबको समझ में आ गया है, थैंक यू।